All right, let's cut across at this point of time. After a long legal battle, ND Tiwari has finally accepted his son as his own flesh and blood. Listen in. I suffered a heart attack, massive heart attack, when I was 28 years of age. पता नहीं मैं क्यों जिंदा बच गया, कैसे बच गया मुझे नहीं पता सर. और ब्रेन स्ट्रोक हुआ मुझे. उसके बाद ये सब होने के बाद क्यों नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये उनसे ही पूछ सकते हैं, मेरे पास जवाब नहीं. मैं उनसे ईमानदारी से कल पहली बार मिलने आया हूँ, उनसे सवाल पूछिए आप. ये सवाल उनसे पूछिए, आपके मन में है, मेरे मन में भी यही सवाल अभी तक है. एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनका जवाब हम लोगों को मिल गया है. अब आपसे सवाल है कि अब आप क्या करेंगे. वो ईमानदारी से अगर मेरी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरे तो सब खत्म है. मेरी तरफ से मेरे कोई बुरा नहीं चाहता उनके लिए, एक शब्द नहीं बुरा चाहता. रोहित, आपकी क्या बात हुई थी कल जब आप मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे कि आप को स्वीकार कर रहे हैं सारी बातें, कानून कोर्ट में जाएंगे? मैंने कल क्या बात हुई थी? मेरी बात कुछ नहीं होती भाई साहब, मैंने कुछ बात ही नहीं की. मैंने खाली ये कहा कि अगर आप मानते हैं तो खुले मन से मानिए, क्योंकि ऐसा केस कभी आया नहीं है. और एक अच्छा उदाहरण जाने दीजिए, कम से कम आपके मेरा झगड़ा हुआ, आपने जो भी हुआ तो उससे एक उदाहरण तो हुआ, कोर्ट में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, कोर्ट के सामने भी आया है केस. कोर्ट ने हमें मान करना होगा कि आदरणीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े इसमें फैसले दिए हैं, कोई पढ़े ऐसे जाके. तो मैं चाहता हूँ कि कानून के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, जो मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है इसमें. कल इन्होंने क्या कहा था आपसे, आप वो जरा बता सकते हैं? कल जो बात हुई, मेरी बात ये है कि आप ईमानदारी से मेरी माँ को मानिए, ईमानदारी से आपके सामने बात करें. कल तो उन्होंने अपनी टोपी भी इसको पहनाई, टोपी पहनाई, शॉल पहनाया. ये बात तो क्या सिंबॉलिक, क्या इनसे पूछिए कि आज का व्यक्ति जो है वो सब कुछ सामान्य चाहता है. तो आपको लग रहा है कल जो बात कही थी आपसे पलट रहे हैं क्या, ये आपको लग रहा है? मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे क्योंकि आपने उतरा तो सब कुछ, अगर वो कह रहे हैं तो अपने मन से एक बार खुला कर दे. क्योंकि अगर आप मेरी जगह पे होते, अगर आपने अपनी माँ को ऐसे भोगते हुए देखा होता 35 साल, तो आप भी मेरे से यही प्रश्न पूछते. मैं इतना नौटंकी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करिए. रोहित, 25 मिनट से हम लोग बैठे हैं जी, मैं एक आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा. आप सही मायनों में संतुष्ट हैं नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बातें कही काफी इस फैसले को लेके, और कहाँ रह गया है, कहाँ लगता है बचा हुआ है कुछ कहने को जो अभी तक उन्होंने नहीं कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हर सामान्य परिवार होता है, जैसे हर सामान्य परिवार है, मेरी माता जी प्रोफेसर शेर सिंह जी की बेटी हैं, जैसे उन्होंने माना, ऐसे ये मुझे क्यों नहीं अपना सकते, इसमें क्या गलत है? और ऐसे मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे हमारे बहुत सारी परंपराएं टूट रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसे स्वीकार कर रहा है और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि कई रिश्ते बदल रहे हैं, तो इसको अपनाए क्यों ना. और अगर ये कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, और शायद उन्होंने बहुत विकास किया है अपने क्षेत्र में, तो ये अपने जीवन में विकास करें, मुझे कोई वो नहीं. और जिन्होंने कोई भी गलत किया उनके खिलाफ, मैं उसको आवाज उठाऊंगा. इसका मतलब पूर्ण रूप से स्वीकार इन्होंने नहीं किया अब तक आपको क्या लग रहा है? हाँ, कुछ तो है, अगर कर दें तो कर दें. इसमें क्या गलत है कि भाई मैं ऐसे मान लेता, मैं क्या ऐसा बिगाड़ लूंगा किसी का, मैं कौन सी ऐसी नई बात कर लूंगा? तिवारी जी, सुन रहे हैं आप रोहित की बातों को, क्या कहना चाहेंगे? रोहित, तुम इधर आओ, इधर से. मैं तो यही कहना बार बार कह चुका हूँ, और वो उसको बार बार दोहराना नहीं, तो जैसा रोहित खुद कह रहे हैं, रोहित जैसा खुद कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है आपने जो कुछ भी कहा, और वो ये कह रहे हैं कि आप क्लियरली चीजों को नहीं कह रहे हैं जैसा उनका कहना है. मैं सांकेतिक न्यूज है या नहीं जी? मैं पत्रकार में भी रहा, और मैंने ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, जिन्हें प्रोफेसर इमेरिटेरियस माना गया है, उनके द्वारा पढ़ा हुआ हूँ. डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर, भारत का विदेश मंत्री रह चुका हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुका हूँ, वाणिज्य मंत्री रह चुका हूँ, और लीडर राज्यसभा में रह चुका हूँ. इतना सब एक इतिहास मेरे सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इतना काम कर सकूं. ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ये नहीं होगा. तिवारी जी, ऐसा ना हो कि दास्तां कहते कहते हो जाए सब कुछ. एक्चुअली सीधा सवाल का सीधा जवाब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हम लोग इस बात को थोड़ा बढ़ा रहे हैं. जो सीधा सवाल रोहित आपसे कर रहे हैं, एक पत्रकार जैसे पत्रकार से नहीं, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल रोहित का है. अरे रोहित का, वो भी पत्रकार हो गए.
अपना प्रश्न आपको लग रहा है कि रोहित आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है आपसे, तो हमें कोई छल कपट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। आप बिना छल कपट के एक बार स्वीकार कर दीजिए, कोई छल कपट ना करें। आप में और मेरे बीच में बहुत छल कपट हुआ, इसको खत्म कर दें। खत्म कर दें, आप ही खत्म कर दें। आज के खत्म कर दें, कपट हुआ नहीं हुआ खत्म कर दें। खत्म 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 खत्म। मेरी माँ को सम्मान दे दें। हमारे को सम्मान बिल्कुल, बस ये कह रहा हूँ। और कोई गुस्सा नहीं, कोई कोई वो नहीं, कोई क्लेश नहीं। बस 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 फोन आप ही खड़े हो जाइए। साफ में समा को मान लीजिए, खत्म है। आप गड़ी सिर उठा कर।